दैया रे दैया, कुकी दीदी के एब्सेंस में तुम दोनों क्या करता है? कौन है ये औरत? हाँ कुछ नहीं। और ये कचरा के तेरा चाचा साहब करेगा? अरे मैं उठाओ इसे। मैं कर तुम ना ये ज्यादा हीरो मत बनो, ये तुम्हारे सर पे खेती नहीं है ना, इसलिए तुम बच गया। ये मैं इधर कुकी क्या कहलेगा शो कर रहे हैं, शो कर। सुनो मेरा चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ है और ड्राइवर से बोल रहा बैठे दुबई है ना इधर से मुझे इंटरव्यू देके। हाँ दुबई। हाँ अरे तेरी चांदो दो कौड़ी की दे। ये अरे कंफ्यूज है होने का, ये दो कौड़ी का कनेक्शन है। हाँ मैं जाती है, तू बैठ इधर, ज्यादा हीरोगिरी नहीं करने का। चट ओए बैठ जा, मेरा शो है, खड़ा क्यों है? इधर बैठना है। सर पे बैठेगा क्या? बैठ जगह तो साफ है वैसे। बैठो ना। अरे क्या है बहनचोदी, बॉक्स क्या है ये? क्या है ये बॉक्स? क्या है यार ये? दुबई में इससे अच्छे सोफे मेरे, इससे अच्छे सोफे, और वो एकदम पिछवाड़े का फील देते। तो वही लेके बैठा है। कुछ नहीं सॉरी। तू एक काम कर, सुन पहले तो तेरा इंटरव्यू शुरू करता हूँ। हाँ अब आ जा, ठीक है? अब बता तू, एक बार बता तू, ये जो ट्विटर पे तेरा चूतियापा बिखेरता रहता है, फायदा क्या है, प्रॉब्लम क्या है तुझे? लोग मुझसे चिढ़ते, जो देखो मेरी बुराई करता है यार। मैं इतना जबरदस्त आदमी के और मैं ट्विटर पर लिख भी नहीं सकता इनके खिलाफ। अरे ओए कोई नहीं, मैं तो पूरी सहानुभूति मेरे तेरे साथ, लेकिन तू ये बता यार, ये तो रोज वाले जो चूतिया पे है तेरे, अब जैसे तू फनी जियोनी के पीछे लग जाता है। फनी जियोनी क्या है? क्या है फनी जियोनी? क्या है मुझे बताओ क्या है? क्या है? औरत है, औरत है वो। जब उसको मैं उसकी फिल्म देखने जाता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है जाने क्या देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? पॉन टाइप की फील है, हंसती है तो वो एक्सप्रेशन देती है, रोती है तो वो एक्सप्रेशन, उससे उसके अलावा कुछ आता नहीं। ये सब तेरे से बस की नहीं है, तू सही से जवाब नहीं दे सकता, इंटरव्यू नहीं दे सकता, तू देशद्रोही 2 क्या बनाएगा? क्योंकि पहले हिट हो गई ना मेरी, हिट हो गई ना तो दूसरी बनाऊंगा। भाई साहब चांटे क्यों मार रहे हो बार बार आप? अच्छा लग रहा है प्यारे, अच्छा लग रहा है। तू ये बता, तू दूध कहां से मंगाता है? स्कॉटलैंड से। पता भी है नक्शे में स्कॉटलैंड है कहाँ? पता नहीं लेकिन आता वही था दूध मेरा भाई। स्पेलिंग आती है तुझे? यार दूध पीने में क्या स्कॉटलैंड की स्पेलिंग है? तो सही है, तू LANDE ही है पूरा का पूरा, ऊपर से नीचे तक लैंड। देखो भाई साहब मार बहुत, मैं डर रहा हूँ थोड़ा सा डर रहा हूँ, मैं गांड फाड़ देता आपकी। क्या बोला इसने? सुन दो इधर पड़े और मेरा जब बाएं हाथ का पड़ता है ना। अच्छा मारा। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? पीछे से धुआं निकल रहा था, पूरी दुनिया का दिमाग खराब कर रखा है तूने। मैंने? हाँ मैंने, या पूरी दुनिया ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है? तू सोचता है तू फेमस हो रहा है, तू भाई कुख्यात हो रहा है, कुख्यात। फेमस हो नहीं रहा हूँ मैं हूँ फेमस, समझे? एक्टिंग किसी को आती नहीं और केयर की जाती नहीं। क्या एक बात बता, तू ये देशद्रोही जो बना रहे ना, देशद्रोही 2, स्क्रिप्ट क्या है, मतलब कहानी क्या है इसमें? देशद्रोही 2 में बहनचोद मैं हूं बहनचोद उसमें, तो मैं हूं स्क्रिप्ट मैं हूं, फिल्म मैं हूं। भाई साहब आप क्या करोगे आज? मारती रहोगे क्या? कब खत्म होगा इंटरव्यू? मेरा लॉलीपॉप। अरे दूसरा ला दूंगा, शांत रहे। मैं उठा के दे दूं? अबे तू रहे, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए। नहीं मेरा मेरे पास है। छोटू का चाहिए? नहीं ये 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 छोटू का ही है। अब गिर गया छोटू का ये। फारूक खान वाला ये तेरा एंगल जो तूने ये फोटोशॉप करके ट्विटर में दे दिया एक, और फिर उसके बाद जो तुझे झेलना पड़ा वो क्यों करता है तू? आप समझ रहे हैं, फारूक खान बहुत ही खतरनाक आदमी, उसी ने वो फोटो लगवाया। वो असल में पॉपुलर होना चाहता है मुझे लेके, मेरे साथ नाम जोड़कर फारूक खान पॉपुलर होना चाहता है। अरे भाई साहब पांचवा चाटा, ऑडियंस राउंड शुरू होने वाला है और ये लोग अब तुझसे सवाल पूछेंगे, ठीक से जवाब दीजिए। तो भाड़ू मुझे बेइज्जती कराने को बुलाया कि छोटू छोटू तेरी आरती उतार रहे हैं, ये समझ ले, समझ गया?
अब चल ऑडियंस के सवाल का आंसर दे। अच्छा ओके, और मैं थोड़ा पूछिए क्या पूछना है। आप ये बताइए कि आपके बच्चे क्यों नहीं हुए अभी तक। बच्चे असल में ऐसा था, जब मैं अपनी शादी के लिए रिश्ते के लिए जा रहा था तो उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी पूरे देश में, पूरे भारत में। तो उस वक्त मैं गया तो पुलिस वालों ने पकड़ के मेरी नसबंदी कर दी, 30 रुपये और एक कंबल दिया। लेकिन मैंने उस कमज़ोरी का जो फ़ायदा उठाया, उसी चक्कर में इंडस्ट्री में आया, क्योंकि हल्लू खान भी हैं, उनके बच्चे नहीं हैं और मेरी भी, तो मुझे लगा कि शायद सिमिलर हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो मैं आया। ये आपकी जो ऐसी छुछुंदर जैसी चोमू जैसी शक्ल, आपने कभी प्लास्टिक सर्जरी कराई नहीं सोची? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं खुदा के उसमें दखल नहीं देता, ये अल्लाह ने दी, अल्लाह ने मुझे दी है। ये जितने लोग हैं, जितने लोग इंडस्ट्री में अपनी खाले खिंचवा के कीले गड़वा लेते हैं, नेचुरल चीज आप ऑडियंस का पहुंच ही नहीं रही। धीरे बोल। मैं धीरे बोला कर, मुझे कितनी बार समझाया इस शो में, धीरे बोला कर, यहाँ मैं ऊंची बात। वो छोड़ पर मुझे छोटू की बात ही नहीं समझ में आ रही, धीरे बोला, गला फाड़ने की क्या जरूरत है? ये देशद्रोही टू के अंदर आप क्या करने वाले? नहीं, देशद्रोही टू जो है मेरी हिट फिल्मों में से है। वो तो बनी हुई है। नहीं नहीं, वही हिट है, डिक्लेयर कर दिया मैंने, देशद्रोही टू मैंने डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि वो हिट है, क्योंकि देशद्रोही जो फर्स्ट थी वो भी हिट हो चुकी है। ये छोटू ये हो रहा है यहाँ पे मेरे पीठ पीछे, ये हो रहा है कि आरके नहीं आए तो चूतिया था वो, मैं के आर के बन गया और यहाँ आया तो ये देख रहा हूँ मैं। यार पटिया, तेरे कहीं भी बाल नहीं, मूंछे कहाँ से आ गई हैं? मैं हमारा कॉमेडी का शो संभालने के लिए जब के आर के बन सकता हूँ तो मूंछे भी उगा सकता हूँ मैं, और जब मैं यहाँ आया तो ये सब हो रहा है मेरे सामने। छोटू, तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे कभी माफ, तुझ पे तू पीछे बैठ तू, और सुन छोटू सॉरी, कुकी इधर है, इधर है कुकी, मैं जा रही हूँ। अच्छी बात है, चला जा। अरे कहाँ जा? अच्छा है, दोनों चले गए, लेकिन आप हमारा कॉमेडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो हम मेरी भी लाइन है, अरे लाइक भी करना है और शेयर भी करना, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे।